आज हम जानेंगे एनल फिशर के बारे में। इसको फिशर की समस्या या फिशर की प्रॉब्लम नाम से भी जानते हैं। क्या होता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है या किसी के भी साथ हो रही है, हम इसके बारे में किसी से पूछने से कतराते हैं, अंदर से हेजिटेशन होता है कि पूछना चाहिए होगा कि नहीं होगा, और अगर कोई इसका जवाब भी देता है तो वह प्रॉपर ढंग से नहीं देता है, उसे भी बताने में शर्म आ रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनल फिशर क्या है, ये समस्या क्या है, कैसे हो जाती है, इसके कारण क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे घर पर ही आप इसका शुरुआती दौर में इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सर्वेज अंसारी और स्वागत करता हूँ आपका। सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं कि क्या है एनल फिशर। सबसे पहले समझेंगे कि यह पाइल्स और फिस्चुला की प्रॉब्लम से अलग होता है। यहाँ पर तीन बीमारियाँ हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला। हम तीनों को एक ही समझते हैं या फिर प्रॉपर हमें इस जानकारी के बारे में पता नहीं होता है। अब यहाँ पर एनल फिशर को थोड़ा डायग्राम की फॉर्म से समझते हैं। इस फिगर को आप देखें, यहाँ पर देखिए, यह आंत का आखिरी हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं मलद्वार या एनल कैनाल, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर इसके अंदर में किसी तरह का क्रैक आ जाए, किसी तरह की दरार आ जाए, किसी तरह का कट लग जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं एनल फिशर, यानी कि फिशर की समस्या। इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके कारण के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिफरेंस क्लियर करना चाहूँगा कि पाइल्स, फिशर और फिस्चुला में क्या डिफरेंस है। फिशर तो अभी आपने देखा, अब पाइल्स में क्या होता है ये देखते हैं। ये जो आंत का आखिरी हिस्सा है जिसको मलद्वार कहा जाता है, इसमें मलद्वार से खून की सूजी हुई ब्लड वेसल्स बाहर आ जाती हैं, जिन्हें हेमरॉइड्स कहा जाता है, और वह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करती हैं। इसी तरह एनल फिस्चुला भी फिशर से अलग होता है। यह देखिए, यह आंत का आखिरी हिस्सा यानी कि मलद्वार है, और इस आखिरी हिस्से के अंदरूनी भाग से बाहरी भाग तक एक टनल बन गई है, जो मलद्वार से अलग ही एक होल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यह नलीनुमा रास्ता जो यहाँ पर बन गया है, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनल फिस्चुला, फिस्चुला की प्रॉब्लम। तो यह तीनों प्रॉब्लम एक दूसरे से अलग हैं, यह सेम नहीं है। चलिए आप जानेंगे क्या होता है एनल फिशर में। एनल फिशर का सबसे मेन कारण होता है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन का होना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो मल है वह बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा सा इकट्ठा हो जाता है, और जब आप इसको फोर्सफुली पास आउट करते हैं तो जो एनल केनाल है का जो एरिया होता है वह छोटा होता है उस स्टूल से। तो लेकिन जब मल वहाँ से बहुत ज़्यादा सख्त है और मोटा है, जब वह एनल केनाल से निकलता है तो उसकी दीवारों में, एनल केनाल की दीवारों में दरार आ जाती है या कट्स लग जाते हैं। एनल फिशर की समस्या और भी कई वजहों से हो सकती है, जैसे डायरिया से हो सकती है, या चाइल्ड बर्थ यानी कि डिलीवरी के दौरान या गर्भावस्था के दौरान के समय में ऐसा हो सकता है, या फिर आपको क्रोनिक डायरिया है, आप बार बार मोशन जाते हैं, बार बार मलद्वार को धोते हैं या हाथ से रगड़कर मलद्वार को साफ करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, जिनको देखकर आप ये जान जाएंगे कि क्या आपको एनल फिशर की समस्या है। आपका जो मलद्वार है उस पर आपको ऐसा लगेगा कि मलद्वार चिर गया है, जो कट है वह आपको आइडेंटिफाई कराएगा कि यह एनल फिशर है। जब रोगी मल का त्याग करता है तो मल त्याग के समय दर्द का होना इसका मुख्य लक्षण है। मलद्वार पर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो सकती है, सूजन जैसा भी महसूस हो सकता है। जब भी आप फ्रेश होने जाएंगे उस दौरान आपको दर्द होगा, फ्रेश होने के बाद भी कुछ समय तक
दर्द रह सकता है और फ्रेश होते समय या उसके बाद भी मलद्वार से आपको खून भी जा सकता है, ब्लीडिंग आपको हो सकती है या फिर मल त्याग के बाद जलन या दाह का अनुभव कुछ समय के लिए हो सकता है। अगर इस तरह के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो यह एनल फिशर की समस्या है। चलिए अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, जिससे एनल फिशर की समस्या को शुरुआती दौर में घर बैठे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो मोटिव रहेगा वह कि उस घाव को भरा जाए जो मलद्वार पर बन गया है, ताकि यह हम एनल फिशर की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सके। आप घरेलू उपचार के लिए मलद्वार पर नारियल का तेल लगा सकते हैं, अगर कुछ नहीं है अगर मार्केट से ला सकते हैं तो जात्यादि ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैलुकेन जेली आती है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको दर्द ज़्यादा है मल त्याग से पहले आपने जेली लगा सकते हैं, जिससे कि मल त्याग करने की जो आपकी जो कंडीशन है वह आपको आसान हो जाए। आप कुछ दिनों तक ऐसा कर सकते हैं। आप एक टब में गर्म पानी लेकर उसमें सिर्स बात कर सकते हैं। गर्म पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि जिससे आप नहा सकें। उसमें आपको 10 से 12 मिनट तक बैठना है, उससे मलद्वार में थोड़ा रिलैक्सेशन फील होगा और आपको आराम मिलेगा। जो घाव है वह भी भरने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। अगली जो चीज़ फिशर के ट्रीटमेंट के लिए वह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो मल है, स्टूल है, उसको आपको सॉफ्ट रखना पड़ेगा। मल को सॉफ्ट बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर फूड कंज्यूम करना होगा। इसके लिए फल सब्जियां, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं, जिससे लाइट स्टूल पास हो तो सब जब लाइट स्टूल पास आउट होगा तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, मलद्वार पर ज़्यादा खिंचाव नहीं आएगा और वह घाव भरने लगेगा। अगर वापस से आपने हार्ड स्टूल वाले खाने को फिर से खाना शुरू कर दिया जिससे स्टूल हार्ड हो जाती है तो क्या होगा, पहली बार तो कट भरेगा नहीं और दूसरा क्रैक और भी डेवलप हो सकता है, या फिर पहले वाला जो कट है और ज़्यादा गहरा हो सकता है जिससे कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको हाई फाइबर फूड को कंज्यूम करना है। दिन में हो सके तो एक दो बार लौकी का जूस पिए, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगली चीज़, अगर इन चीज़ों को करने के बाद भी स्टूल सॉफ्ट नहीं हो रहा है तो रात को सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, हल्का खाना खाना है। दूसरी चीज़, आप रात को सोते समय सना चूर्ण, त्रिफला चूर्ण या हरड़ चूर्ण लेकर सोएं, उसको पानी के साथ लें। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टूल है, मल है, वह सॉफ्ट रहेगा और आप एनल कैनाल में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बनेगा जब मल पास आउट होगा, जिससे आपका जो घाव है वह भरने लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप ही बहुत अच्छी हीलर है। किसी तरह का कोई भी कट या घाव शरीर में बनता है तो शरीर खुद ही उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह से बैठे बैठे अपनी बीमारी को बड़ा मत कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, कुछ ना कुछ जद्दोजहद कीजिए, अपने शरीर की कदर कीजिए। अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।